ये हैं दुनिया की 10 खतरनाक तरीन सड़कें। नंबर 10 ग्वालियंग टनल रोड, ये दुनिया की सबसे मशहूर और खतरनाक तरीन सड़कों में शुमार होती है। इसको पार करना इंतहाई कठिन है। इसकी लंबाई 16 फुट और चौड़ाई 13 फुट है, जबकि रोशनी और हवा के लिए इसकी साइड्स पर 30 सुराख किए गए हैं। दिलचस्प हकीकत यह है कि इसे सिर्फ 13 मजदूरों ने तकरीबन 5 साल की मुद्दत में सिर्फ हथौड़ों और छीनने के इस्तेमाल से तामीर किया था। नंबर 9 लॉस क्रोकुलस पास। अर्जेंटीना और चिली का बॉर्डर तकरीबन 8000 किलोमीटर लंबा है, और अगर आप कभी एंडेस के रास्ते अर्जेंटीना से चिली जाने का इरादा रखते हैं तो शुरू में तो मामूल की चढ़ाई है, यहाँ तक कि ये चढ़ाई तकरीबन 10,500 फुट की बुलंदी पर जा पहुँचती है, और फिर यहीं से ये खतरनाक सड़क शुरू होती है। इस सड़क की ढलान इतनी ज्यादा है कि बस खुदा की पनाह। इस सड़क से गुजरते हुए 20 खतरनाक मोड़े आती हैं, जो तकरीबन 180 डिग्री का जाविया बनाती हैं। इस सड़क के किनारों पर कोई हिफाजती बाड़ नहीं है। एक और बात जो इस सड़क को मजीद खतरनाक बनाती है कि ये सड़क तकरीबन पूरा साल बर्फ से ढकी रहती है। नंबर 8 सिचुएन तिब्बत हाईवे। इस हाईवे की लंबाई तकरीबन 2100 किलोमीटर है, जो चीन के सूबे सिचुएन को तिब्बत से मिलाती है। जो चीज इस हाईवे को दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क बनाती है, उसकी वजह बहुत ज्यादा चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी, टूटे फूटे रोड, खतरनाक मोड़े और साथ साथ लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा साल में 10 महीने यहाँ बारिश और बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से कुछ ड्राइवर्स हफ्तों इस रोड पर फंसे रहते हैं। इसीलिए चोरियां और अगवा बराए तावान जैसे वाकयात भी होते रहते हैं। नंबर 7 सेल्वियो पास। ये रोड 9,045 फुट की बुलंदी पर वाकया है, और ये यूरोप के पहले 50 ऊंचे पहाड़ी रास्तों में शुमार होता है। इस रोड को पार करते समय 48 से ज्यादा खतरनाक मोड़े आती हैं। नंबर 6 स्किपर कैनियन रोड। ये रोड न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे पर वाकया है। ये रोड 140 साल पुराना है, जिसे कानकुनों ने बजरी से बनाया था। 25 किलोमीटर नीचे जाते हुए रोड इतना तंग हो जाता है कि सिर्फ एक कार ही गुजर सकती है, लेकिन अगर कहीं दूसरी गाड़ी गुजरने की जगह मिल भी जाए तो बजरी इतनी ढीली है कि गाड़ी के खाई में गिरने के इम्कान बने रहते हैं। नंबर 5 नॉर्थ यंगस्ट रोड। ये कातिल रोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर साल ये रोड 300 से ज्यादा अमवात की वजह बनता है। ये रोड दुनिया के सबसे ज्यादा ढलान वाले रोड में शुमार होता है। इस रोड की उतराई 3,650 मीटर है। इसे 1930 में कैदी मजदूरों की मदद से तामीर किया गया था। सड़क के एक तरफ ठोस चट्टाने, जबकि दूसरी तरफ 2000 फुट गहरी खाइयां हैं। क्योंकि बोलीविया में सड़क की बाएं तरफ ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से सड़क को पार करते समय खाइयां साफ नजर आती हैं, इसीलिए मंजर काफी डरावना होता है। नंबर 4 जेम्स डेल्टन हाईवे। इस हाईवे को ट्रांस अलास्का पाइपलाइन के लिए एक सप्लाई रूट के तौर पर 1974 में तामीर किया गया था। इस सड़क की लंबाई 666 किलोमीटर है, जो कि ज्यादातर बजरी पर मुश्तमिल है। जो चीज इस सड़क को खतरनाक बनाती है वो ये है कि इस तवील सड़क पर अलास्का के वीराने में आपकी खिदमत के लिए किसी किस्म की कोई सर्विस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ किसी किस्म का कोई गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट और होटल नहीं है। बस आप और आपकी सोचें, और दर्जा हरारत 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। इस सड़क को पार करते समय मशवरा दिया जाता है कि अपना हिफाजती सामान जरूर साथ रखें। नंबर 3 कराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को मिलाती है। इसे दुनिया की बुलंद तरीन पक्की इंटरनेशनल रोड माना जाता है। इस हाईवे की लंबाई 1300 किलोमीटर है, और ये सिर्फ चीन की सरहद के पार ही पक्की है। इसको पार करते समय बहुत से मसाइल पेश आते हैं, जैसे कि बर्फ और मट्टी के तोदों का गिरना,
سیلاب اور اونچائی پر ہونے کی وجہ سے بیمار ہو جانا وغیرہ وغیرہ. نمبر دو, ٹرول سٹنجن. یہ سڑک ٹرول پاس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. ناروے کی سڑک کو دیکھنے بہت سے سیاح آتے ہیں, تو اس کو پار کرنا کافی چیلنجنگ ہے. اس روڈ کے اوبڑ کھابڑ راستوں کو پار کرتے سمے سٹیرنگ ویل پر بہت زیادہ دباؤ بنا رہتا ہے. اس کے علاوہ ون لین روڈ کی حالت تو انتہائی خراب ہے اور رات کو پار کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ اتنے بہادر ہیں کہ یہ خطرہ لے سکیں تو ایک پل سے انتہائی خوبصورت نظارے اور سگ فوسن آبشار کا خوبصورت منظر آپ کا انتظار کر رہا. نمبر ایک, اٹلانٹک روڈ. ناروے کی یہ ہائی وے جہاں زمین سمندر سے جا ملتی ہے تقریباً 8 کلومیٹر لمبی ہے, جسے دیکھ کر آپ متاثر بھی ہوتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے. اس روڈ کے 8 پل کسی رولر کوسٹر کی طرح ناروے کے جزائر کو ملاتے ہیں. یہ تھی آج کی 10 خطرناک روڈ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں.